हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवम शुक्ला। टुडे आई एम टेलिंग यू रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस चैप्टर आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन बैलेंस अ गिवन रिएक्शन। वी कैन बैलेंस अ गिवन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड। फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, सेकंड हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन दिस लेक्चर आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन बैलेंस अ गिवन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स आर, स्टेप वन राइट स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, स्टेप टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, स्टेप थ्री कैलकुलेट डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर सो दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकम इक्वल, स्टेप फोर टू बैलेंस चार्ज एड हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक मीडियम, यूज हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन एसिडिक मीडियम, यूज हाइड्रोक्साइड आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन बेसिक मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम यूज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑन एप्रोप्रिएट साइड, टू बैलेंस हाइड्रोजन यूज वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, बट हार्ड प्रैक्टिस हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। Important point, hard work and practice. Practice is the main point. So look here, I am telling you one reaction. Write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate 6K2Cr2O7 with sodium sulfide and A2SO3 in an acidic solution, that means acidic medium, to give क्रोमियम थर्ड आयन एंड सल्फेट आयन SO4 टू माइनस चार्ज। डियर स्टूडेंट, स्टेप वन राइट स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। स्टेप वन राइट स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। स्टेप टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6, ऑक्सीजन -2, सल्फर +4 हेयर एंड ऑक्सीजन -2 हेयर, चार्ज +3 सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3 आयन इज +3, इन सल्फेट आयन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। सो स्टेप टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, स्टेप थ्री कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो लुक हेयर +6 2 -+6 2 +3, इस मीन्स ऑक्सीजन नंबर डिक्रीजेज, हाउ मच -3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आफ्टर दिस सल्फर +4 to sulfur +6, 4 to 6 इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +2। नाउ मल्टीप्लाई सुटेबल नंबर सो दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकम इक्वल, 2 मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वेशन टू बैलेंस इट एंड 3 मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वेशन टू बैलेंस इट। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, यू हैव टू मल्टीप्लाई इन दिस वे। सो लुक हियर, Cr2O7 टू माइनस चार्ज +3SO4 -2 चार्ज, 2Cr3 प्लस चार्ज, 3SO4 टू माइनस चार्ज। आफ्टर दिस चार्ज, हेयर चार्ज इज 2 3 6 +6, 3 2 6 -6, चार्ज इज सेम हेयर बट चार्ज इन दिस एरिया 3 2 6 -6 -6 -2 -8, हेयर चार्ज इज -8, चार्ज इज नॉट बैलेंस, टू बैलेंस चार्ज एड हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक मीडियम, हेयर -8 चार्ज सो वी हैव टू टेक 8 प्लस हेयर 8 हाइड्रोजन आयन 8 प्लस एंड 8 माइनस बैलेंस, चार्ज इज 0। आफ्टर दिस टू बैलेंस हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन एटम यूज वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू हाफ ऑफ हाइड्रोजन आयन, हेयर हाइड्रोजन आयन्स आर 8 सो हाफ ऑफ 8 इज 4। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। दिस इज द वन रिएक्शन एंड यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क एट होम एंड नंबर ऑफ रिएक्शन।
section you have to write in your notebook and do practice. Then you can learn this method easily. Okay student, good day, take care, God bless you all. भैया